नमस्कार साथियों, आज सत्याग्रह में फिर आपका स्वागत है। और इधर मुझे बंगाल और आसाम जाने का मौका मिला। आपको बता दें कि आसाम के सबसे बड़े जो किसान मजदूर नेता हैं अखिल गोगोई, जो जेल में है, जेल में हालांकि वो नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध करने के कारण गए थे। 2019 में आपको याद होगा कि दिसंबर में हमारी संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो गैर मुस्लिम और गैर यहूदी भारत में आए हैं, वो चाहे तो 5 साल रहने के बाद वो भारत की नागरिकता का दावा कर सकते हैं। जबकि पहले ये अवधि 11 या 12 साल की थी और उसमें देशों की कोई सीमा नहीं थी, वो किसी भी देश के हो सकते थे। लेकिन ऐसा करने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। सबसे पहले प्रदर्शन आसाम में ही हुए। आसाम में इसलिए भी हुए क्योंकि ये जो पूरा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का मामला है, ये वहीं से शुरू हुआ है। आसाम में आंदोलन छात्रों का हुआ 80 के दशक में, जिसमें बाहरी लोगों को वापस जाने की मांग उठी। बाहरी यानी कि जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, बाद में बांग्लादेश बन गया, वहां से जो लोग आसाम में आ रहे थे। और असल में लड़ाई असमिया और बंगाली अस्मिता की थी। असमिया लोगों को लगता था कि बंगाली बोलने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे तो बंगाली संस्कृति हावी हो जाएगी उनके ऊपर, और इसलिए वो उनका विरोध करते थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं थी, कि ये धार्मिक आधार पे कोई विरोध नहीं था। मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ कि क्योंकि मेरे एक मामा जी रविन्द्रनाथ उपाध्याय को जयप्रकाश नारायण ने चीन के हमले के समय 62 में आसाम भेजा था काम करने के लिए 10 अन्य सर्वोदय कार्यकर्ताओं के साथ में। और रविन्द्र भाई ने वहां एक सत्याग्रह किया था जिसका नाम है अंगार काटा सत्याग्रह, जिसमें हिंदू बंगालियों को लेके उनके पुनर्वास की मांग के साथ धरना किया गया था। और वहां के कलेक्टर ने उस धरने के ऊपर हाथी चलवा दिया। तो जो हिंदू बंगाली भी पाकिस्तान से, उस समय तो पाकिस्तान ही था, जो आए थे हिंदुस्तान में और जिनको भारत सरकार ने वादा किया था कि उनका पुनर्वास किया जाए, और यहाँ पुनर्वास नहीं हो रहा था। जो स्थानीय लोग थे वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान से लोग आए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो उसका वहां पे विरोध होता था और वहां के कलेक्टर ने धरने के ऊपर हाथी चलवाया। सरकार, जो जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी थे, वो भी बहुत पक्ष में नहीं थे। तो ये धीरे धीरे करके ये भावना इसने एक आंदोलन का रूप लिया। छात्रों का आंदोलन हुआ, राजीव गांधी के साथ समझौता हुआ और ये तय हुआ कि 71 के बाद जो लोग बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि 71 में ही बांग्लादेश बना था, वो वापस जाएंगे। और बांग्लादेश के बनने से पहले जो लोग आ चुके हैं भारत में, उनको यहाँ रहने दिया जाएगा। लेकिन इसको कभी लागू नहीं किया गया। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रक्रिया नहीं शुरू की। एक बार 51 में हुई थी आजादी के बाद, उसके बाद दोबारा की नहीं गई। उस सरकार ने भी नहीं किया, असम गण परिषद की, जो अखिल भारतीय आसाम छात्र संगठन से निकली थी, क्षमा करें, अखिल आसाम छात्र संगठन से निकली थी जो 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 राजनीतिक पार्टी, उसने भी इसको लागू नहीं किया, राजीव गांधी समझौते को, और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर नहीं कराया। उसके बाद की कांग्रेस सरकारों ने भी नहीं कराया, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी ने कराया। और परिणाम ये निकला कि 19 लाख लोग एनआरसी के बाहर रह गए, और उसमें ज्यादातर हिंदू थे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति थी, वो सोच रही थी कि ज्यादातर जो लोग रह जाएंगे वो मुस्लिम होंगे और फिर उनको या तो डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा या बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। ये जब उनको दिखा कि ऐसा नहीं होगा और ज्यादातर जो एनआरसी के बाहर रह गए वो हिंदू हैं, तो वो ये कानून लेके आई, राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसमें ये कहा गया कि गैर मुस्लिम और गैर यहूदी लोग यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी।
अब आसाम के लोगों ने इसका विरोध किया, और गौर करने वाली बात यह है कि पूरे भारत में तो ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं इसका विरोध करने के लिए धरने प्रदर्शन पे बैठी थी, लेकिन आसाम में हिंदू और मुस्लिम दोनों इसका विरोध कर रहे थे, और अखिल गोगोई पहले नेता थे जो इसका विरोध करने के लिए सड़क पे उतरे, क्योंकि उनके संगठन ने इसका सबसे मजबूती से विरोध किया था, कृषक मुक्ति संग्राम समिति। और अखिल गोगोई 17 दिसंबर को ही जेल चले गए, उनके ऊपर यूएपीए का मुकदमा हुआ, एनआईए को उनका केस सौंपा गया, उनको बेल हालांकि मिली, लेकिन जब बेल मिली तो उनको दूसरे पुराने मामले में शिव सागर में जेल भेज दिया गया, और फिर जब उनको बेल मिली तो उनको एक तीसरे मामले में पुनः जेल भेज दिया गया, और जब वहां से बेल मिली तो वापस जो पहला मामला था यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ, उसमें जो बेल के खिलाफ जो अपील की थी एनआईए ने वो खारिज हो गई और अखिल गोगोई दोबारा जेल चले गए। तो इस तरह से लगातार 2019 से उनको जेल में रखा हुआ है आसाम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं कांग्रेस भी उनसे डरती है। जब तरुण गोगोई की सरकार थी आसाम में तो भी अखिल गोगोई को जेल में डाला गया था, क्योंकि वो वहां के सबसे बड़े मजदूरों और किसानों के नेता हैं। जितना जनाधार उनका है उतना और किसी संगठन का नहीं है, और दोनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को यह डर लगता है कि अगर अखिल गोगोई जेल के बाहर रहेंगे और सक्रिय रहेंगे तो वो वहां के सबसे बड़े नेता बन जाएंगे। कई लोगों का कहना है कि अखिल गोगोई भविष्य के आसाम के मुख्यमंत्री हैं, और अखिल गोगोई ने इस बार जेल से चुनाव लड़ा, उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया, रायजोर दल, और उसने आसाम जातीय परिषद एक दूसरा दल बना जो अखिल आसाम छात्र संगठन से निकला है, वो भी अस्मिता के सवाल पे संघर्ष करता है, और उसने भी जबरदस्त तरीके से नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध किया था। तो इन दो दलों के गठबंधन ने इस बार चुनाव लड़ा है आसाम में, और अखिल गोगोई के रायजोर दल के करीब 37 उम्मीदवार हैं। अखिल खुद शिव सागर से चुनाव लड़े, मैं वहां 3 दिन रहा, और मैंने ये देखा कि अखिल का जो जनाधार है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा, और अगर भारतीय जनता पार्टी कोई गड़बड़ी नहीं करे तो उम्मीद है कि अखिल गोगोई शिव सागर से आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। और इसके अलावा जो गैर भाजपा गठबंधन है जिसमें एक कांग्रेस है और दूसरा अखिल गोगोई और आसाम जातीय परिषद का है, अब देखना यह है कि चुनाव में क्या ऐसी स्थिति बनती है कि कांग्रेस वाला गठबंधन और अखिल गोगोई वाला गठबंधन क्या ये मिलके भाजपा के खिलाफ, भाजपा को परास्त करके ये मिलके वहां की सरकार बना पाएंगे कि नहीं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और जिस तरह की लहर आसाम में चल रही है, चूंकि लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ हैं, ऐसी उम्मीद है कि वहां पे एक गैर भाजपा की सरकार बने। और बंगाल में तो मेरा मानना है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने माहौल तो बहुत बनाया है, क्योंकि उनके पास पैसा है, देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री सारा काम छोड़ के बंगाल के चुनाव में लगे हुए हैं, प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है, लेकिन चूंकि उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है, 4 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने वहां विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतारा है, इसी से समझा जा सकता है कि उनके पास लोग ही नहीं है जिनको वो चुनाव लड़ाएंगे, और ज्यादातर उनके उम्मीदवार तो वो हैं जो अभी कुछ दिन पहले तक तृणमूल कांग्रेस में थे। तृणमूल कांग्रेस छोड़ छोड़ के लोग आके भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का ये आंकड़ा है कि 2016 से 2020 में 405 विधायकों ने दल बदल किया है, इन दल बदल करने वालों में 182 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए हैं, और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने ये भी अध्ययन किया है कि इन 405 विधायकों का जो अपना दल छोड़ के दूसरे दलों में शामिल हुए हैं, इनकी इनकी संपत्ति जो है, इनकी आय जो है वो 39% बढ़ गई है इस दौर में। तो ये बात बहुत साफ है
कि पैसा देके विधायकों को अन्य दलों से भारतीय जनता पार्टी में लाया गया है, जैसे पश्चिम बंगाल में भी हुआ और फिर उन्हें चुनाव लड़ाया गया, और 5 राज्यों में तो ऐसा भी हुआ जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई थी, वहां की सरकारें विधायकों को तोड़ के, खरीद के, धमका के भारतीय जनता पार्टी में ला के या उनको अपने दल से अलग करके वहां की सरकारें गिरा दी गई, जिसमें कर्नाटक बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है जहां ये घटनाएं हुई, इसके अलावा अरुणाचल में ऐसी घटना हुई और पुडुचेरी में भी हाल में हमने देखा कि वहां की कांग्रेस की सरकार गिर गई। तो भारतीय जनता पार्टी सारे हथकंडे अपना रही है। एक गुजरात के जज साहब हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों में अंतर यह है कि बाकी पार्टियां सोचती हैं कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा वोट लेके चुनाव में जीते, और भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि जो जो संस्थान है जो भारत के लोकतंत्र को चलाते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण पद है रिटर्निंग ऑफिसर का, जो जो जिसकी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये रहती है कि महत्वपूर्ण पदों पे ऐसे लोग बैठे हों जो उनके अपने लोग, यानी जो उनकी मदद करें। तो रिटर्निंग ऑफिसर अगर आपकी मदद कर रहा है तो चुनाव जीतना आपके लिए आसान हो जाता है। और इसका उदाहरण है गुजरात में मंत्री हैं चुडासमा साहब, जिनके चुनाव को हाई कोर्ट से खारिज किया गया है, चूंकि उनके जीत का अंतर पोस्टल बैलेट की संख्या से कम था और नियम के अनुसार वहां पे फिर से गिनती की जानी चाहिए थी मतों की, वो नहीं की गई। जज साहब ने लिखित आदेश किया कि गिनती की जाए पुनः, लेकिन आज तक गिनती नहीं हुई, और चुडासमा साहब ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है जिसकी सुनवाई हो नहीं रही है। तो चुडासमा साहब मंत्री बने हुए हैं, उनकी उनकी जो सीट है अभी बरकरार है, जो कायदे से उनके चुनाव के खारिज होने के बाद उनको इस्तीफा देना चाहिए था, वहां पे पुनः चुनाव होने चाहिए थे। तो ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीकों को अपना के, जिसमें ईवीएम में भी फेरबदल की जाती है ऐसा अंदाजा है लोगों का, तो तमाम तरीके से वो कोशिश करती है कि तिकड़म से चुनाव जीत जाए। अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी करने में सफल होती है आसाम बंगाल में, तब तो उसके लिए कोई संभावना है, नहीं तो अगर जनता का जो माहौल है, जनता के बीच में जो माहौल है, उसके अनुसार तो भारतीय जनता पार्टी की आसाम में वापसी नहीं होनी चाहिए, और बंगाल में तो कोई सवाल ही नहीं है कि वो ममता बनर्जी को हरा पाए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी लोकप्रिय जरूर है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। तो किसान आंदोलन की तरफ से अपील है, और हम सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हराना जरूरी है, क्योंकि किसान आंदोलन मजबूती के साथ दिल्ली में तो उसने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन वो उस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बन पाया है कि जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती खड़ी हो जाए। हमने देखा कि गुजरात के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से जीत गई, पंजाब में उसको जरूर दिक्कत हुई क्योंकि वहां पे किसान आंदोलन मजबूत है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की सभाएं नहीं हो पा रही है, तो पश्चिम बंगाल में और आसाम में भी किसान आंदोलन के नेता गए हैं और वहां लोगों से अपील की गई है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में हारेगी तभी किसान आंदोलन को कुछ 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 सफलता मिलने की संभावना है, और अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी तो उसका मनोबल बढ़ेगा और वो किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश करेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में किस बेरहमी के साथ वहां जन आंदोलन को कुचला जा रहा है, वहां सैनिक शासन लागू हो गया है, और अपने देश में भले ही सैनिक शासन न हो लेकिन एक तानाशाही का माहौल तो जरूर आ गया है, जिसकी एक झलक हमने अभी विधानसभा बिहार में देखी, जहां विशेष सुरक्षा बल का गठन हुआ है जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिसमें सुरक्षा बल को ये छूट दी गई है कि बिना वारंट के वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं,
और उत्तर प्रदेश में तो बहुमत के बल पे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने उसको कानून बना लिया, लेकिन बिहार में बकायदा पुलिस विधानसभा में घुसी और विपक्षी विधायकों के साथ मारपीट की, जैसा कि भारतीय संसदीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। अगर कोई विधायक वहां पे अनुशासन तोड़ता है विधानसभा के अंदर, तो मार्शल की व्यवस्था होती है, मार्शल उसको उठा के बाहर करते हैं। लेकिन पुलिस विधानसभा के अंदर आए और विधायकों के साथ मारपीट करे, ये घटना लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली है और ये बहुत खतरनाक संकेत है कि किस तरह से देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। तो इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी का हारना बहुत जरूरी है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का शासन अगर रहेगा और अन्य अन्य जगहों पे उसको अगर सफलता मिलेगी, तो जैसी बिहार में घटना हुई है, उस तरह की घटनाएं देश में और देखने को मिलेगी। तो मैं बस अपनी तरफ से यही बात रखना चाहता हूँ। प्रवीण जी अगर इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहे तो मैं अब प्रवीण जी को आमंत्रित जी करता हूँ कि अपनी टिप्पणी। जी सर, मैं मतलब क्या आपको ऐसी संभावना लग रही है कि किसान, अगर मान लीजिए आसाम और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती, तो ये चेन रिएक्शन की तरह आगे बढ़ सकता है और यूपी में होने वाले इलेक्शन में जो है इसका अच्छा प्रभाव पड़े, या किसान आंदोलन से जो नए लीडर्स आए हैं वो शायद इलेक्शन में वो खड़े हों और जीतें, मतलब इसकी संभावना कुछ ऐसी दिख रही है? और आने देखिए, वाले सालों में, 1-2 सालों में जहाँ इलेक्शन है, फिर वहां पे भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो सकती है। अभी तो फिलहाल किसान आंदोलन ने यह तय किया है कि वो गैर राजनीतिक रहेगा। गैर राजनीतिक इस अर्थ में कि वो खुद चुनाव की प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा। हालांकि वो चुनाव में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने की अपील कर रहे हैं। अब इसमें जनता के सामने ये दुविधा होती है कि अगर आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दो, तो फिर जनता पूछती है कि फिर किसको दें। तो जब तक आप बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं, तो लोग थोड़ा भ्रमित होते हैं। ये एक इसमें कमी है। तो हमें लगता है कि किसान आंदोलन अगर इस देश में एक राजनीतिक विकल्प भी प्रस्तुत करे, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के आंदोलन ने किया था, तो वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि वैसे भी वो उनका नारा है कि जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो एक कोई ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो किसानों के हित की बात करे। जी, मेरा पूछने का आशय था, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी एक वैकल्पिक पार्टी के रूप में बन के आई थी, वैसा तो कुछ हुआ नहीं, ना उतना भी जी विकल्प जी नहीं है, और वो अर्बन एरिया की ही पार्टी के रूप में स्थापित हुई है। किसान और वैसा इसलिए मजदूर और इस तरीके के मुद्दों पे वो ज्यादा, उस पर कोई उसकी समझ भी नहीं है, ना उससे वो ज्यादा बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आप जैसी बात कह रहे हैं कि किसान आंदोलन से उभर करके एक नई पार्टी आए और जो वो किसान और मजदूरों की बात करे आगे। जी अच्छा, कुछ वैसा होना थोड़ा इस बार मुश्किल इसलिए है क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल का आंदोलन था, उसमें उसमें सारी बागडोर अरविंद केजरीवाल के ही हाथ में थी, यानी कि एक व्यक्ति के हाथ में थी। अन्ना हजारे भी जब शुरू में अनशन कर रहे थे, तो वो भले ही चेहरा उनका था आंदोलन का, लेकिन पीछे से तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम थी, और अरविंद ने बखूबी उसका संचालन किया। मैंने बल्कि अरविंद को जब पहला अनशन 4 दिन का हुआ जंतर मंतर पे, उसके बाद जो समीक्षा बैठक थी, उसमें इस बात की बधाई दी थी कि बाबा रामदेव और रविशंकर के भी होते हुए भी उस आंदोलन में अरविंद ने अन्ना हजारे को स्थापित किया आंदोलन आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में। ये अरविंद की एक काबिलियत थी, और बाद में तो खैर उन्होंने कमान सीधे सीधे संभाल ही ली। लेकिन इस बार ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं जो प्रतिनिधि मंडल है किसानों का, जो बात करने जाता है, उसमें 40 लोग हैं, और ये 40 भी ज्यादातर इनकी प्रतिबद्धता पहले से तय है। आप देखेंगे ये ज्यादातर वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो किसी वामपंथी पार्टी से भी जुड़े हो सकते हैं, या वो चुनाव लड़ने वाली पार्टी के साथ नहीं भी जुड़े हो सकते हैं, कोई दूसरे संगठन से जुड़े हो सकते हैं जो चुनावी प्रक्रिया को ही नहीं मानते। क्योंकि मैं जब दिल्ली बॉर्डर पे गया था,
तो मैंने देखा कि बाकी जगह तो आपको भारतीय किसान यूनियन और किसानों के झंडे बैनर दिखाई पड़ेंगे, गाजीपुर में, टीकरी में, सिंधु में, लेकिन अगर आप शाहजहांपुर जाएं तो जो राजस्थान का बॉर्डर है वहां बहुत साफ है, वहां सारे झंडे ऑल इंडिया किसान सभा के, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का जो किसान संगठन है उसके झंडे लगे हैं वहां। वहां पूरे धरने का संचालन ऑल इंडिया किसान सभा ही कर रही है और स्थानीय विधायक अमरा राम राम जी ने पूरी जिम्मेदारी संभाली हुई है। तो इसमें से ज्यादातर लोग पहले से ही उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता तय है, इसलिए वो शायद कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर ये सब मिलके भी कोई राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करें देश के सामने तो ये किसान आंदोलन के लिए बहुत अच्छा होगा कि वो सीधे चुनाव के मैदान में आके भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दें, जैसा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया। तो ये तो मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा, इसकी इसकी तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस देश में राजनीति दोबारा उसका चरित्र उस तरह का बने जहां वो जनता के मुद्दों पे केंद्रित हो, उसमें इस तरह के लोग आए जो संघर्ष करने वाले लोग हैं। आप देखेंगे कि संसद और विधानसभाओं में उन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो पैसे वाले लोग हैं, यानी कि लखपतियों की, करोड़पतियों की। तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर जमीनी लोग नहीं जाएंगे, जमीनी संघर्ष करने वाले लोग नहीं जाएंगे, तो जनता के मुद्दे विधानसभा और संसद में नहीं उठेंगे और बहस नहीं होगी, जैसा अब हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संसद में कोई बहस ही नहीं होती। कोई बिल लाया जाता है और वो बिना किसी बहस के पारित हो जाता है। हमने देखा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसा महत्वपूर्ण अधिनियम बिना किसी बहस के पारित हो गया, कश्मीर के विभाजन का फैसला उसके राज्य के दर्जे को कम करके केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला फारूक अब्दुल्ला को संसद के बाहर रख के हुआ, उनको घर पे ही पुलिस ने नजरबंद कर लिया था ताकि संसद में कोई बहस ना हो। तो ये जो एक प्रवृत्ति है भारतीय जनता पार्टी की, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है कि आप संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर कोई बहस ही नहीं होने देते और जबरदस्ती कानून बनवा देते हैं। किसान कानूनों के साथ तो यही हुआ, राज्यसभा में विपक्षी सांसद मांग कर रहे थे कि बहस हो, मतदान हो कम से कम, लेकिन हरिवंश जी ने, जो उपसभापति हैं राज्यसभा के, सिर्फ हाथ उठवा के मतदान करा के और इन इन बिल को पारित करवा दिया बिना किसी बहस के, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके के सांसद वहां रात भर अनशन पे बैठे महात्मा गांधी की मूर्ति के पास। तो ये जो तरीका है ये बहुत अच्छा नहीं है, मैं कहूँगा, लोकतंत्र के लिए। और इसलिए भी किसान आंदोलन को सक्रिय राजनीति में एक भूमिका अदा करनी चाहिए, कम से कम जनता को बताना चाहिए कि ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं तो कौन, विकल्प उसको देना चाहिए। जी, ये क्या ये विकल्प जैसे 1975 में हुआ था कि एंटी कांग्रेस सारे विपक्षी दल एक बैनर से लड़े थे, और तो कुछ वैसा वैसा मुझे लगता है कि बढ़ना चाहिए। जी, 2024 के इलेक्शन में एक संयुक्त मोर्चा तैयार हो, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा है, ऐसे एक संयुक्त विपक्ष मोर्चा बन के अगर आए तो मुझे लगता है कि वही वही एक तरीका है जो भाजपा को एक कड़ा चैलेंज दे सकता है। आप सही कह रहे हैं, मैं भी बल्कि यही कहने वाला था कि जैसे देखते ही देखते जनता पार्टी एक विकल्प के रूप में खड़ी हो गई, बल्कि जब जनता पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा तो उसके पास अपना सिंबल भी नहीं था, उसको चौधरी चरण सिंह की जो पार्टी थी लोकदल, उसका सिंबल इस्तेमाल करना पड़ा। नाम जनता पार्टी का था और सिंबल था चौधरी चरण सिंह की पार्टी का, लोकदल का, क्योंकि इतनी जल्दीबाजी में वो पार्टी खड़ी की गई। और उस पार्टी ने, जो किसी ने कल्पना नहीं की थी, इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को हरा दिया चुनाव में और एक सरकार बना दी। तो उस विकल्प अगर खड़ा करने का कोई पहल ले तो विकल्प देखते ही देखते खड़ा किया जा सकता है इस समय, लेकिन 75 की तरह या 77 की तरह सारे विपक्षी दल साथ में आएंगे, ये गारंटी अभी नहीं दी जा सकती, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन में राजनीतिक दल खुल के शामिल नहीं हो रहे हैं। कुछ तो हो रहे हैं जरूर,
लेकिन सारे दल खुल के शामिल नहीं हो रहे हैं, और किसान आंदोलन भी शायद नहीं चाहता है कि राजनीतिक दल इसमें खुल के शामिल हो। तो मुझे मालूम नहीं कि वो बात हो पाएगी कि नहीं जो जो 77 में हुई थी, लेकिन इतना जरूर है कि अगर किसान आंदोलन की तरफ से पहल ली जाए तो एक वैकल्पिक राजनीतिक दल तो जरूर खड़ा किया जा सकता है, जिसमें जो दल आना चाहे, जैसे मुझे लगता है कम्युनिस्ट पार्टियां उसमें शामिल होंगी, हो सकता है कि कुछ और दल जैसे समाजवादी पार्टी है या और कुछ दल भी उसमें शामिल हो, कम से कम जयंत चौधरी का जो दल है वो तो जरूर शामिल होगा उसमें, राष्ट्रीय लोक दल। तो इस तरह के जो भी दल उसमें शामिल हो सकते हैं वो उसमें हो, वो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अपनी पहचान मिटा के शामिल हो, जैसे जनता पार्टी में शर्त रखी गई थी कि दोहरी सदस्यता नहीं होनी चाहिए, आप सिर्फ जनता पार्टी के ही सदस्य बने। तो वैसी शर्त न रखी जाए तो मुझे लगता है बहुत सारे दल एक इस तरह के गठबंधन में शामिल हो सकते हैं जो एक भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक विकल्प खड़ा करने की पहल ले। होगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन कम से कम देश की राजनीति में इतना तो बदलाव की शुरुआत हो ही गई है कि अब किसान के मुद्दे पे खुल के बात हो रही है। अब जो भारतीय जनता पार्टी ने जिनको मुद्दा बनाने की कोशिश की, चाहे वो राम मंदिर हो, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पे रोक की बात हो, लव जिहाद की बात हो, इस तरह के मुद्दे जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनको दरकिनार करते हुए किसान आंदोलन ने किसानों के मुद्दे को एकदम स्थापित किया है मजबूती के साथ, और उस पर पूरा देश बहस कर रहा है, पूरे देश की नजर उसके ऊपर है। इस समय लोग राम मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए इसी किसान आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने चंदा इकट्ठा करने का अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों का ध्यान किसान आंदोलन से हट के दूसरी तरफ जाए, लेकिन इस समय लोगों की नजर किसान आंदोलन पे है। किसान आंदोलन में ये क्षमता है कि वो विकल्प प्रस्तुत कर सकता है, और अगर ऐसा करेगा वो तो इस देश के लिए बहुत शुभ होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। जी सर, तो ये बहुत अच्छी बात होगी अगर आप खुद ही इस समन्वय समिति को आगे बढ़ाए तो। जी नहीं, मैं तो आप जानते हैं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया से जुड़ा हूँ, हालांकि किसान आंदोलन में मैं जो केंद्रीय समिति वगैरह है अभी उसमें नहीं हूँ। मैं तो कोशिश ये कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में उस आंदोलन का विस्तार हो। आपको मालूम है कि हम लोगों ने हरदोई में 2, उन्नाव में 1, बाराबंकी में 1 और मुरादाबाद में 1 किसान पंचायतें की हैं। दूसरी अन्य पंचायतों में मैं शाहजहांपुर और सीतापुर में भी शामिल हुआ हूँ। तो हमारी कोशिश ये है कि किसान आंदोलन का विस्तार हो, लेकिन हमारे साथी मेधा भाटकर जी हो, डॉक्टर सुनीलम हो, ये सब तो वहाँ केंद्रीय जो प्रक्रिया चल रही है उसमें शामिल हैं, और हम कोशिश करेंगे जरूर कि ये एक विकल्प की बात हो। लेकिन फिलहाल तो अभी एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है, गंगा के समर्थन में, गंगा के संरक्षण के लिए तो साधु अंशन पे बैठ गए हरिद्वार में, और हम लोगों को फिलहाल थोड़ा ध्यान उधर देना पड़ रहा है, ताकि जैसे 4 साधुओं की जान जा चुकी है अनशन करते हुए, एक साधु की हत्या हो गई है, जब प्रोफेसर जीडी अग्रवाल अनशन पे बैठे थे मातृ सदन में 2018 में, तो मैं और आप गए थे उनसे मिलने, और ये बड़े दुख की बात है कि हिंदुत्व के नाम पे एक सरकार बनी है, प्रधानमंत्री कहता है गंगा ने मुझे बुलाया चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की 4 चिट्ठियों का जवाब नहीं देते हैं, और उनके मरने के बाद शोक संदेश ट्वीट करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके मरने का इंतजार ही कर रहे थे। तो इस तरह की सरकार आ गई है जो एकदम संवेदनहीन है, और मीडिया इस अनशन के बारे में एक शब्द भी नहीं लिख रहा है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनते ही वो हरिद्वार में अनशन पे बैठे साधुओं की बात नहीं करता है, बल्कि लड़कियों की फटी जींस की बात करता है। आप देखिए उसको फटी जींस की कितनी चिंता है, और साधुओं की चिंता नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, उसको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, उसके नेताओं में कोई संवेदनशीलता नहीं होती, वो लोगों को मरते हुए देख सकते हैं,
हिंदू साधुओं को गंगा के मुद्दे पे मरते हुए देख सकते हैं, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए वो कुछ नहीं करेंगे। ऐसे समय में हम सब लोगों को प्रयास करना पड़ेगा कि स्वामी शिवानंद सरस्वती जो अनशन पे बैठे हैं, ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद जो अनशन पे बैठे हैं, उनकी उनके शरीर को कोई नुकसान ना हो, उनका अनशन सरकार बातचीत करके खत्म कराए, उनकी मांगों को माने। और इसलिए हम लोग 3 अप्रैल को वहां जा रहे हैं। जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, आपसे भी अपील है कि आप मातृ सदन हरिद्वार आए और इन साधुओं के समर्थन में आप भी अपनी जो भी कर सकते हैं करें, और सरकार के ऊपर दबाव बनाएं कि सरकार इनकी बात सुने। तो एक बार ये संकट थोड़ा टल जाए हरिद्वार वाला, फिर हम लोग बिल्कुल सोच सकते हैं कि ये किसान आंदोलन का अगर राजनीतिकरण हो तो बेहतर रहेगा। लेकिन फिलहाल तो ये निर्णय किसान आंदोलन की जो केंद्रीय समिति है ये उसी को लेना है, और अभी तो हम जो निर्णय वो ले रहे हैं उसी के साथ हैं। उन्होंने अभी गैर राजनीतिक रहने का ही फैसला किया है। तो मैं जैसे कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ, लेकिन किसान आंदोलन में जब जाता हूँ तो मैंने अपने दल को प्राथमिकता नहीं देता, वहाँ किसान आंदोलन और किसान के मुद्दों को ही हम लोग प्राथमिकता देते हैं। और हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन में, किसान पंचायतों में अन्य दलों के लोग भी मंच पर आ रहे हैं। शाहजहांपुर में जिस किसान पंचायत में मैं गया था, वहाँ के भारतीय ये बहुजन समाज पार्टी के, समाजवादी पार्टी के नेता भी मंच पे मौजूद थे, और यहाँ तक कि एक भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके एक चाचा या ताऊ भी मंच पे थे जो खुद भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। तो फिलहाल तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो लोग भी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता होते हुए भी किसान आंदोलन के समर्थन में एक मंच पे आ सके, उनको एक मंच पे लाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी तो फिलहाल यही प्रयास है, और अभी तो निर्णय यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने की अपील की जाए। लेकिन जहां जहां अच्छे विकल्प हैं, जैसे आसाम में रायजोर दल है अखिल गोगोई का, वो किसान नेता है, वहां पे बिल्कुल हमें खुल के ऐसे दलों का समर्थन करना चाहिए। मैं ये बात किसान आंदोलन की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के उपाध्यक्ष के नाते कह रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने आसाम में कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है, पश्चिम बंगाल में हमारे 5-6 उम्मीदवार हैं, लेकिन आसाम में हमने ये तय किया है कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया रायजोर दल का समर्थन करेगी। और इसलिए मैं अखिल गोगोई के प्रचार में 3 दिन के लिए गया, जहां मेधा पाटकर भी आई किसान आंदोलन की तरफ से, अली और डॉक्टर सुनीलम पहले जा चुके थे, और अली अनवर अंसारी जो जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा मेंबर थे, लेकिन जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया लालू का साथ छोड़ के, तो अली अंसारी साहब भी, अली अनवर साहब भी जनता दल यूनाइटेड से अलग हो गए। अली अनवर अंसारी साहब भी वहां आए थे। तो देश में लोकतंत्र को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, जनता की ताकत को मजबूत करने में जो लोग भी लगे हैं, वो यही चाहते हैं कि ऐसे दल, ऐसे उम्मीदवार आए जो लोकतंत्र को, संविधान को महत्व देते हैं, और जो जनता के बीच के लोग हैं, जनता के साथ काम करते हैं, उनके संघर्षों में शामिल हैं, ताकि वो जनता की बात को जहां भी उनको मौका मिले वहां पे रख सकें और जनता के हित में काम करें। जी सर, तो और कोई तो पार्टिसिपेंट जुड़ा नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें लगता है कि हम लोग इसको समापन करने के पहले बस एक बार फिर ये अपील करें लोगों से कि भाई लोग किसान आंदोलन के साथ जुड़े, क्योंकि अभी गर्मी आ रही है, ये भी एक कठिन समय होगा, जाड़े की तरह जिस तरह से जाड़ा बीता उसी तरह से गर्मी भी बीत जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोग किसान आंदोलन के समर्थन में आए, दिल्ली पहुंचे, अपने अपने इलाकों में किसान पंचायतें करें, कुछ ना हो तो मैं तो कहता हूँ लंगर चलाएं आप किसान आंदोलन के समर्थन में, क्योंकि लंगर इस आंदोलन की जान है। जहां जहां धरने चल रहे हैं वहां लंगर चल रहे हैं, इसलिए लोगों को बहुत सहूलियत है, वो परिवार के साथ आंदोलन में शामिल है, बीवी बच्चे भी आए हुए हैं किसानों के। तो
ये जो लंगर की ताकत है इसी को मजबूत करें, अगर और कुछ ना कर सकते हो तो ये मैं जरूर अपील करना चाहूंगा। और आने वाले दिनों में हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि सत्याग्रह के माध्यम से हम किसान आंदोलन पे लगातार चर्चा करते रहें और उसकी एक प्रासंगिकता बनी रहे जनता के बीच में, क्योंकि आपको मालूम ही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों का ध्यान किसान आंदोलन से हटे, और हमारी कोशिश यह है कि लोगों का ध्यान किसान आंदोलन पे रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।